कर जेल भेज दिया गया है। बाकी अग्रिम कार्रवाई हेतु जो FSL ने हमारे जो टीम आई थी, जो उन्होंने नमूने कलेक्ट किए थे, उनको जांच हेतु हमने FSL भिजवा दिया है और जल्द से जल्द उसका नतीजा लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी नाम आगे भी अगर कोई प्रकाश में आता है तो उसको भी उसी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा जहां पे वो लड़का जो अभी मेन गया हुआ है। हम ये नहीं पूछ रहे साहब साहब, हम गांव की भाषा में कह रहे हैं, हम नायक अंजाम तक जानते हैं, जनाज खजी जानते हैं। साहब साहब ये बताओ कि यहाँ आपने विवेक शक्ति था या चार व्यक्ति हैं, ये बताओ यहाँ। ये आगे विवेचना का विषय है, अभी बयान लेने जाऊंगा। कल मैं डॉक्टर साहब से बात किया था, परसों भी बात किया था। अभी तारीख की घटना है, एक मिनट आइए साहब, कितनी तारीख की घटना है? 7 तारीख की घटना है। 7 तारीख, आज कितनी तारीख है? आज 12 तारीख है। 12 तारीख तक हॉस्पिटल तक जो उनकी देखरेख में डॉक्टर लगी हुई है, मेरे वहाँ पर 2 या 3 सिपाही और सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं। मैं लगातार डॉक्टरों से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने मना किया था कि अभी फुलसरी बयान देने की स्थिति में नहीं है। अच्छी बात है, कल मैं गया, मैं बताना चाहता हूँ, कल मैं गया, आपके कोई SI नहीं थे, कांस्टेबल खड़े हुए थे, 2 कांस्टेबल और 1 सब इंस्पेक्टर। एक कांस्टेबल है, मैं उसका फोटो दे दूंगा मैं आपको। मैं बताना चाहता हूँ, आप तुरंत जल्दी जो फूल श्री के बयान है, जो सच्चाई वो बता रही हैं, जो साक्षात रूप से गवाह हैं, उन्होंने देखा है, मैं उनसे पूछ कर आया हूँ। चारपाई पे सो रही थी, उनका हाथ नीचे गया कि उनके लगा कोई चूहा काट रहा है, उनके हाथ उंगली दबाई, उनकी दबाते उनको होश आया, उन्होंने देखा, जगाया पति को, कहा कि नीचे चारपाई के नीचे कोई है, उन्होंने तुरंत एक्टिव हो गए। एक्टिव में 4-5 जो लोग आए होंगे, उन्होंने तुरंत धावा बोल दिया। ये उनका कहना है, कोई किसी ने नहीं समझाया। ये साक्षात रूप से जो गवाह हैं, उनके आप बयान नोट करिए, उसी हिसाब से विवेचना आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के हिसाब से चार्जशीट लगनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 तो 5 होना चाहिए। मैं वहां जाकर बयान लूंगा और बयानों के आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो मजरूला वहां पे है भूसरी, उनके बयान लेने अभी बयान देने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उनके बयान नहीं लिए गए। बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर साहब से लगातार कांटेक्ट में है। हम आपसे आश्वासन चाहते हैं, आपसे आश्वासन चाहते हैं। ये पूरी जनता आप देख रहे हैं, एक गांव से नहीं पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं। आप आश्वासन देंगे 24 घंटे के अंदर आप बयान लेने के लिए हॉस्पिटल जाओगे।